देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। सर क्या कहें, कैसा रहा सफर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रहा। अब ये बोलिए, हमारा इंटरव्यू देने का मकसद ये रहता है कि जो जाने से जो वादे मायजो रहते हैं पूरे, ये मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वादे किए गए थे वैसे पूरे मकसद हुए पूरे, और वैसी इबादत भी हुई और वैसी ज़ियारत भी वगैरह हुई। का कितने का खबर था पे? 22 दिन। कितने लोग थे टोटल? टोटल 55 हाजी थे। 55 जी। आपके घर से कितने थे? हमारे घर से 3 थे। अच्छा, वहाँ पे जब मौली वगैरह सब जा रहे थे मतलब ज़ियारत के लिए, सब साथ में थे कि उन्होंने छोड़ दी थी? नहीं, सब साथ में थे। बहुत अच्छा रहा, फैसिलिटी में कोई कमी नहीं, हमको ठहरने की जगह भी बहुत आराम से बहुत नजदीक मिली। क्या वहाँ पर रश है? बर्दाश्त करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। टूर वाले यहाँ पर नहीं, नहीं बहुत करते हैं वादे, वहाँ पर पूरे करते हैं। हाँ, पूरे पूरे टूर वाले का कोई ऐसा जरा से भी नहीं, खाना पीना सब चीज अच्छा है, सहूलत पूरी। अच्छा, जहाँ पर ज्यारत हुई थी वहाँ मौलिक साथ में थे इनकी तरफ से? जी, पूरे 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 हर जगह, हर जगह। हाँ, मतलब कैसा रहा सफर आपका? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, कोई चीज की कमी नहीं रही, हर चीज है ना, उन्होंने साथ में रहे, सब बताया हमको, खाना पीना अच्छा रहा, सब अच्छा रहा माशाल्लाह। कितने का सफर था आपका? ये 20 दिन का। 20 दिन। कितने लोग का खाफला था टोटल? कितने लोग थे आपके साथ? हमारे पास 40-50 थे। 50 लोग, 50-60 भी होंगे। हाँ, बहुत अच्छा सफर है, एक पैसे तकलीफ नहीं, खाना पीना वादा करे थे जाने से पहले, होटल के खाने के सब 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 करे, सब करे, हर चीज करे, कोई चीज की कमी नहीं करे उन्होंने, सब करे उन्होंने माशाल्लाह। आपका नाम, आप कहाँ से? सही अमूदी रोशन गेट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर रहा, जरा सर की भी तकलीफ नहीं हुई, और मक्के के तो इतनी नजदीक होटल थी कबूतर चौक बोल के कि टैक्सी का तो करना ही नहीं पड़ा हमको, अजान होते के साथ ही मक्के में पहुंच जाते थे हम, और हर चीज की फैसिलिटी दी उन्होंने, इबादत भी अच्छी हुई और खाने की फैसिलिटी बहुत अच्छी दी है, हर एक दिन पूछ के पकाते थे वो, आज किसकी क्या डिमांड है बोला हम वो बनाते बोल के, तो सबके राय मशवरा करके, और जितने ज्यारते थे पूरे ज्यारता बोले थे उससे बढ़ के ज्यारता कराए, और एक चीज की भी तकलीफ नहीं आई, कुछ नहीं आई, सब चीजें सुकून से कराए। एक हाजी भी हमारा बस के अंदर सब जने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, अपने रिश्तेदारों को कोहिनूर ट्रैवल्स का बोलो बोल के बोले थे, क्योंकि जरा भी तकलीफ नहीं हुई हमारे को जी। और जितने जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने को भी लेके गए थे, तो मदीने की भी इतनी नजदीक होटल थी कि 3-4 मिनट में मदीने में पहुंच जाते थे जी। कितने लोग काफिला था आपके? अभी तक हमारे साथ 60 जने आए थे, फिर बाद में हम जब निकले थे और 40 जने आए थे, 100 जने थे उनके टोटल जी। अच्छा, ये बोलिए आप महा दुनिया में क्या चढ़ रहा है, शक के सवाल कर रहा हूं जी। दुआ में याद रखे थे कि हालात जी? जी, जितने जनों ने बोले थे पूरे जनों को दुआ में याद रखे, और जिस जिन लोगों को अपन समझो, जिसने जिसने दुआ का बोले थे, तो अल्लाह ताला ऐसा करिश्मा कर रहा था कि ऑटोमेटिक वो सामने दिख रहे थे बंदे लोग वहां पे, कि जिसने जिसने बोले थे दुआ को याद रखो, तो ऐसा दिख रहा था कि उन्हें सामने से आ जा रहा, क्योंकि दुनिया के पूरे लोग उतर रहे थे, ऐसा दिख रहा था कि आपसे मुलाकात हुई थी, आपने बोले थे दुआ का बोलो, तो आप नहीं भी याद रह रहे, तो ऐसा दिख रहा था आप आके बिल्कुल मिल के गए, ऐसी दिल में वो हो रही थी, और ऐसा दिख रहा था कि आप कैसे क्या आ गए, आप भी आएगा बोल के। बहुत दुनिया के हालात मुसलमानों के लिए दुआ करें आप जी, बिल्कुल बिल्कुल याद रखे, और अपने फलिस्तीन के वास्ते भी बहुत दुआ करें, पूरे ग्रुप ने फलिस्तीन के वास्ते भी दुआ करें, पूरी मुसलमान उम्मत के वास्ते दुआ करें, और जितने जितने लोगों ने दुआ का बोले थे पूरे लोगों की दुआ करे, सब जनों के लिए दुआ करे। मतलब कुल मिला के आपका सफर अच्छा रहा माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जरा मतलब सर की भी तकलीफ नहीं हुई। कोई न्यू टूर से आपको कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं कोई न्यू टूर से। आपका नाम, आप कहाँ से? मोहम्मद सिराज, मैं उस्मानपुरे में रहता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे रहा सफर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर रहा, किस चीज की भी तकलीफ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भाजी, इंटरेस्ट ने कवर कर रहे, कोई न्यू टूर वालों ने जाने से पहले आपसे कुछ वादे किए होंगे, बड़े बड़े दावे किए होंगे, उसकी तहकीक करना चाह रहे हैं हम कि इनके ने जो वादे किए थे पूरे हुए क्या? वादे किए थे, बहुत फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, उससे बढ़के कोई शिकायत नहीं, मतलब कोई शिकायत नहीं। ये बात आप इतना से जवाब दे रहे हैं? जी जी, इतना से दिल से। अब इतनी मुबारक है सर, गलत कैसा बोलिए? अगर अपनी फैमिली के कोई जाना चाह रहे तो अपन लोग ये सजेस्ट करेंगे। सफर कैसा रहा, उसके तासुरात दे? बहुत अच्छा सफर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जाना आना सब बेहतरीन था, और उम्र भी अच्छे हुए वहाँ पर, और सर्विस अच्छी थी। अच्छा, मेन बात क्या है, वहाँ पर क्या पर ज्यारत हो रही थी, उनकी तरफ से मौलिक इंतजाम थे क्या हर जगह पे तैनात? हाँ, बताने वाले थे, गाइड था साथ में जी, रास्ते से भी बताने वाले थे, जो ज्यारतें रास्ते से थे वो भी बताए, जो जहाँ उतरना था वहाँ पर उतर की भी ज्यारतें कराए, जहाँ जहाँ जा रहे थे गाड़ी की सहूलत, टाइम टू टाइम पर बराबर गाड़ी आ रही थी। हाँ, बराबर आ रही।
अल्लाह ना करे बीमारी का कोई बीमार पड़ा था कि नहीं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे थे। फिर मेडिकल सहूलत थी मतलब? हाँ, मतलब कोई शिकायत नहीं? शिकायत नहीं। मतलब जाने से पहले एक एक जो बात वादे किए थे, होटल नजदीक रहेगी, हर चीज सब अल्हम्दुलिल्लाह नजदीक, होटल नजदीक। कभी का एहसास नहीं किया इन्होंने गलत बोली थी? नहीं, होटल नजदीक थी, अच्छा करीब थी हरम से, बहुत अच्छा था। अच्छा नए जाने वाले क्या बोलेंगे? नए लोग जाने वाले जाओ, अच्छा टूर है, नजदीक होटल है सबसे, नमाज पढ़ने को हरम में जा सकते तुरंत अजान हुई तो जी। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग काफिला था ये? हम दो जने थे। टोटल कितने लोग थे बता सकते? 65 टोटल, 65 जने। आपका नाम? आप कहाँ से? सैयद समीर, सैयद नजीर, कटकटी गेट। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कोहिनूर हजूमरा टूर का काफिला औरंगाबाद पहुँचा। जो ये जो हाजी है 12 जनवरी को डायरेक्ट फ्लाइट से मुंबई से जिद्दा सऊदी एयरलाइन से पहुंचे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है तो कल रात में 31 जनवरी को जिद्दा से डायरेक्ट मुंबई की फ्लाइट सऊदी एयरलाइंस से वापसी हुई इनकी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पूरे हाजियों का रिव्यू बहुत अच्छा रहा, और हमारे हाजी भी माशाल्लाह से बहुत इबादत गुजार थे, क्योंकि कोहिनूर टूर्स ने जो वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुए, और हमारे हुज्जाज इकराम ने भी बहुत इबादत किए, और हमारी नज़दीक होटल होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुज्जाज इकराम तहज्जुद से चले जाते थे और जो है तो फजर के बाद लौटते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह पंच वक्त की नमाज उन्होंने बाजमान नमाज हरम में पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे हुज्जाज इकराम ने जो है तो बहुत पॉजिटिव रिव्यू भी दिए, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा अच्छा रहा। इन्होंने मदीना से भी उमरा किए, इसमें जो है तो हमारे हाजी ने जो है तो मदीने से भी उमरा किए, पूरे चार जो उमरे वादे किए थे पूरे वादे भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा इंशाल्लाह ताला अगला जो काफिला है वो सऊदी एयरलाइंस का है 19 फरवरी का 20 दिन का सफर है, सऊदी एयरलाइंस का काफिला रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 29 फरवरी की फ्लाइट है, वो 10 दिन शाबान और 10 दिन रमजान है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है तो रमजान के लिए 3 से 4 हमने पैकेजेस निकाले, कुछ उसमें 20 दिन भी है, और हमारा जो सबसे बेहतरीन पैकेज है 45 दिन औरंगाबाद में 45 डेज कोई नहीं लेके जा रहा, लेकिन कोहिनूर हजूमरा टूर इंशाल्लाह वादा करता कि 45 दिन का सफ़र रहेगा इंशाल्लाह, और ये जो है तो सऊदी एयरलाइंस का है, और रमज़ान में हमने जितने भी पैकेजेस निकाले अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट्स है, और उसमें 45 दिन है, 37 दिन है, और 33 दिन है, जिसको रमज़ान 10 रमज़ान के बाद भी जा सकते और रमज़ान से पहले भी जा सकते, और हमारा जो 45 डेज का जो पैकेज है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम जो है तो पहली वहाँ पे तरावी, पहली सहरी और पहला रोज़ा होने से पहले हम इंशाल्लाह ताला हुज्जाज इकराम को हरम मक्का में पहुँचा देंगे। सर जैसे जो जाने वाले खासकर रमजान में उन्होंने पासपोर्ट कब जमा कराना, कैसे कितने जमा कराना, ये भी वजह करते कुछ तो कन्फ्यूजन में रहते बेचारे जी। हाँ देखिए कैसा मालूम है कि रमज़ान में बहुत सारे ख्वाहिशमंद हजरात रहते हैं जो उमरे के लिए जाना चाहते हैं, तो बुकिंग तो शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 50% बुकिंग हो गई, और अभी जो है तो 50% बुकिंग जारी है। तो रमज़ान के लिए पहले से तैयारी करना पड़ता शाबान के एंड तक, यानी कि समझ लो ना 25 शाबान तक आपने जो है तो हमारे पास पासपोर्ट लेके आ सकते, उसके बाद भी ला सकते, उसके बाद भी पैकेजेस हैं और मुख्तलिफ अलग अलग पैकेजेस हैं, इंशाल्लाह सहूलत दिए जाएंगी पूरी से पूरी, और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी और बेस्ट सर्विसेज देने की, और रमज़ान का तो वहाँ मामूल ही अलग रहता, और इंशाल्लाह ताला रमज़ान में हम हाजियों की ज़्यादा खिदमत करेंगे, क्योंकि रमज़ान में जितनी ज़्यादा खिदमत करी उतना ज़्यादा सवाब भी मिलेंगे इंशाल्लाह हमारी। सर जो नए देखने वाले लोग हैं, क्योंकि चैनल पूरे मराठवाड़े में महाराष्ट्र दूर दूर से देखा जाता है, तो आपके जबानी नहीं देखने वाले प्लीज जबानी आपका बता, ऑफिस का एड्रेस मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि समझ लेना आसानी। देखिए हमारा जो एड्रेस है शाहगंज वाटर टैंक के सामने कोहिनूर हजूमरा टूर्स, शाह बाजार रोड पे से शाहगंज के वाटर टैंक के पास जाएंगे, 10 पे ही हमारा ऑफिस है, और मोबाइल नंबर है 9422711710। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है, और उसकी रीच बढ़ रही है, उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले, और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।